हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम आज हम हमारी ग्रामर बुक में माय ऐसे का ऐसे करने वाले हैं पहले मैं पूरा का पूरा ऐसे रीड कर चाहती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अ स्कूल इज अ प्लेस डब्ल्यू एच ई आर ई वेर वेयर यानी कि दो सेंटेंस को ज्वाइंट करने के लिए कंजक्शन के रूप में ये वेर है वो लिया गया है अवर फ्यूचर एफ यू टी यू आर फ्यूचर इज डी ई एस आई जी एन ई डी डिजाइंड अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर आवर फ्यूचर इज डिजाइंड स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा फ्यूचर है वो डिज़ाइन होता है वहाँ से क्रिएट होता है माई स्कूल इज वन ऑफ द पॉपुलर स्कूल इन माई सिटी मेरे स्कूल है वो मेरे सिटी में जो स्कूल्स है पॉपुलर उनमें से एक है माई स्कूल्स नेम इज सौरथ पब्लिक स्कूल मेरी स्कूल का नाम सोरठ पब्लिक स्कूल है द बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वास्ट बिल्डिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल एंड वास्ट है वास्ट यानी कि बड़ा है विशाल है धेर इज बिग ए यू डी आई टी ओ आर आई यू एम ओ डी टोरियम ऑडिटोरियम फॉर डूइंग प्रेयर वहां बड़ा सा ऑडिटोरियम है प्रेयर करने के लिए इट हैज अम ड्रॉइंग रूम मैथ साइंस एंड कंप्यूटर लैब ऑल्सो इट हैज अार्ज प्ले ग्राउंड एंड बिग classroom i आई लव टू गो टू स्कूल very वेरी मच ओके देखो हम माय स्कूल का ऐसे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी स्कूल का बिल्डिंग भी देख सकते हो ये है हमारी स्कूल ओके जो हमने बीच में आ, ये देखते हैं। हमारी स्कूल बड़ी है ब्यूटीफुल है ऑडिटोरियम है प्रेयर के लिए म्यूजिक रूम ड्राइंग रूम जो भी हमने ऐसे में लिया है वो कई सारी चीज़ें हमारी स्कूल में है उनमें से ओके तो चलो अब हम आगे ऐसे देखते हैं अ स्कूल इज अ प्लेस वेर अवर फ्यूचर इज दी ई एस आई जी एन ई डी अ स्कूल इज अ प्लेस डब्ल्यू ई आर ई वेर के जिया अवर एफ यू टी यू आर ई फ्यू च्यूचर इज डिजाइंड स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर से हमारा फ्यूचर है वो डिजाइन होता है क्रिएट होता है स्कूल से ही हम आगे जाते हैं टेंथ में ट्वेल्थ में कॉलेज में एंड हमारा फ्यूचर है वो हम डिज़ाइन करते हैं माई स्कूल इज वन ऑफ द पॉपुलर स्कूल इन माई सिटी माई स्कूल इज़ वन ऑफ द पी ओ पी यू एल ए आर पॉपुलर स्कूल माई सिटी city. मेरे सिटी में मेरी स्कूल है वो जो जो भी पॉपुलर स्कूल है फेमस स्कूल है उनमें से एक है पी ओ पी यू एल ए आर पॉपुलर मीन्स फेमस My school's name is सौरठ Public School. मेरी स्कूल का नाम सौरठ पब्लिक स्कूल है

एंड वास्ट यानी कि विशाल है इज अ यू डी आई टी ओ आर आई यू एम ऑडिटोरियम फॉर डूइंग पी आर ए वाई आर प्रेयर वहाँ एक ऑडिटोरियम है प्रेयर के लिए प्रेयर के लिए एक बड़ा ऑडिटोरियम भी है यानी कि एक बड़ा वाला हॉल It has a music room, drawing room, maths, science, and computer lab. It has a MUSIC music room, DRAWING drawing room, MTHS MATHS maths, SCIENCE science, and COMPUTER computer lab. lab. एल एस ओ ऑल्सो यानी कि वो भी है म्यूजिक रूम ड्रॉइंग रूम मैथ साइंस एंड कॉम्प्यूटर लैब भी वहां पर है इट हैजूज प्ले ग्राउंड ह्यूज यानी कि एकदम बड़ा इट हैज अज प्ले ग्राउंड एंड बिग सी एल ए डबल एस आर डबल ओ एम एस

एक बार फिर से हम ये एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको माई स्कूल पहले हमने माई सेल्फ का ऐसे किया फिर माई फैमिली का ऐसे किया अब हम माई स्कूल का ऐसे करेंगे ये जो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि जो प्राइमरी बेस के होते हैं जो आपको आने ही चाहिए ओके अगर आपको कोई पूछे कि आपकी स्कूल का नाम क्या है आपकी स्कूल कैसी है तो आप उसे ये सब बता सको ओके वेरी गुड ये जो ऐसे मैंने यहाँ पर लिख के बताया है आप लोगों को ये ऐसे आप लोगों को अपनी बुक में वन टाइम लिखना है एंड ये लर्न भी करना है एंड पहले मैंने जैसे रीड किया ना वैसे रीड करते हुए आप लोगों को मुझे अपना वीडियो भी भेजना है चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं अ स्कूल इज अ पॉपुलर सॉरी अ स्कूल इज अ प्लेस वेर आवर फ्यूचर इज डिज़ाइन स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा फ्यूचर है वो डिज़ाइन होता है माई स्कूल इज़ वन ऑफ द पी ओ पी यू एल ए आर पॉप्युलर स्कूल इन माई सिटी मेरी जो स्कूल है वो हमारी हमारे सिटी की जो पॉप्युलर स्कूल है उनमें से एक है माई स्कूल्स नेम इज एस ओ आर ए टी एच सौरठ पी यू बी एल आई सी पब्लिक एस सी एच डब्लो एल स्कूल सौरठ पब्लिक स्कूल द बी यू आई एल डी आई एन जी बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल बी एफ यू एल ब्यूटीफुल एंड बी ए एस टी वास्त बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है वो बहुत अच्छा है एंड वास्त यानी कि बड़ा विशाल भी है टी एच टीएचर इज बी अग एर आई यूएम ऑडिटोरियम फॉर डूइंग प्रेयर डी ओ आई एन जी डूंग पी आर ए वाई आर प्रेयर धेर इज बिग ऑडिटोरियम फॉर डूइंग प्रेयर प्रेयर करने के लिए एक बड़ा वाला हॉल है जिसको ऑडिटोरियम बोलते हैं इट हैज़ अ म्यूजिक रूम ड्राइंग रूम मैथ्स साइंस एंड कंप्यूटर लैब ऑल्सो एम यू एस आई सी म्यूजिक रूम डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्राॅइंग रूम एम ए टी एच एस मैथ्स एस सी आई ई एन सी ई साइंस एन सी ओ एम पी यू टी ई आर कॉम्प्यूटर लैब ऑल्सो इट हैज़ अज पी एल ए वाई जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड एंड बिग सी एल ए डबल एस आर डबल ओ एम एस क्लास रूम्स यानी कि बहुत बड़ा प्ले है एंड बिग क्लासरूम्स क्लासरूम्स भी बड़े हैं I love to go to school very much. मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है ओके तो ये हुई हमारी बात ऐसे की ये माई स्कूल का ऐसे है वो फिर से मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि आप लोगों को लर्न करना है वन टाइम अपनी बुक में लिखना है एंड जैसे हम वीडियो बनाते हैं ना ये रीड करते हुए वैसे ये ऐसे रीड करते हुए आप लोगों को वीडियो बनाकर मुझे सेंड करना है अब देखते हैं हार्ड वर्ड्स ऐसे में जितने हार्ड वर्ड्स आए हैं वो अब हम करेंगे पी एल ए सी ई प्लस पी एल ए सी ई प्लेस यानी कि जगह एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर यानी कि हमारा भविष्य एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर यानी कि हमारा भविष्य डी एस आई जी एन ई डी डिजाइन यानी कि क्रिएट होना कोई फॉर्मेशन हम बनाते हैं ना उसको भी डिजाइन बोलते हैं -E I जी एन ई डी डिजाइन फिर है P O पी यू एल ए आर पॉपुलर यानी कि फेमस वी ए एस टी वास्त B -A -U T I F U L ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर A U D I T O R I U M ऑडिटोरियम यानी कि बड़ा वाला हॉल R A Y E R प्रेयर यानी कि प्रार्थना एंड एच यू जी ई यूज यानी कि बड़ा विशाल जैसे हम अपनी इंग्लिश की बुक में ऐसे थ्री पार्ट में वर्ड्स लिखते हैं ना वैसे यहाँ भी आप लोगों को ये हार्ड वर्ड्स ऐसे लिखने हैं ओके okay? तो क्या करना है ऐसे लिखना है वन टाइम रीड करना है एंड लर्न करना है रीड करते हुए मुझे वीडियो भी सेंड करना है एंड ये हार्ड वर्ड्स है वो भी राइट करना है लिखना है ओके थैंक यू बाय बाय स्टे होम स्टे सेफ